हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपकी फेवरेट सीरियल इमली में चल रहा है हाई वोल्टेज धमाका, जहाँ पर आर्यन और इमली में बहुत ही बड़ा तमाशा हो चुका है। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि एक रात की वजह से कैसे कहानी पलट चुकी है। आने वाले एपिसोड में बुरी तरह से परेशान हो जाती है इमली आदिति के लिए, और आर्यन और इमली दोनों ढूंढने के लिए चले जाते हैं, लेकिन दोनों ही तूफान में फंस जाते हैं। आर्यन उसे रोकने की कोशिश करता है, तो दूसरी तरफ मिट्टी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि कहीं उस रात की तरह वो तूफान की तरह इमली की ज़िंदगी में कुछ और तो बदलने नहीं वाला है। तो दूसरी तरफ ऐसा ही होगा। यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आर्यन को वहाँ पर जंगल में एक औरत सिंदूर की डिब्बी खरीदने के लिए कहती है, और कहती है कि शायद ये हमारे यहाँ का सीता मैया का सिंदूर है, और तुम भी शायद किसी का मांग में सिंदूर के जो सोनापन है वो भर सको। तो देखने को मिलता है कि आर्यन अपनी दीदी को याद करके उनकी ज़िंदगी में खुशियां लाने के लिए वो सिंदूर की डिब्बी लेता है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर ये सिंदूर कुछ नया ही तमाशा कर देगा। अब देखने को मिलेगा कि आर्यन और इमली आर्यन इमली को रोकते नजर आता है कि अगर तुम खुद ही जिंदा नहीं बचोगी तो आदिति को कैसे बचाओगी। तो वो दोनों ही एक झोंपड़ी में बस छुपने की कोशिश करते हैं, और वहाँ पर आग जलाकर दोनों ही अपने आप को सेव करते हैं। और आर्यन के पेट में गुड़गुड़ की आवाज़ आ रही होती है, क्योंकि वो बहुत भूखा है और उसे बहुत ही भूख लग रही होती है, और इमली को समझ आ गया है। लेकिन वो उसे यहाँ पर आर्यन अपना ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पेट की आवाज़ बंद नहीं होती, और इमली उसे उसके लिए खाना लाने के पहले तो उसे चिढ़ाती है, और उसके बाद उसके लिए बाहर से ढूंढ कर कहीं से शक्करकंद लेकर आती है, और उसे सेक कर उसे खिलाने की कोशिश करती है, और वो आगे भाग रहा होता है और वो उसके पीछे भाग रही होती है। लेकिन तभी आर्यन उसे रोकने के लिए अपने हाथ में रखी सिंदूर वाली डिब्बी उस पर उछाल देता है, जिससे कि इमली पर सब जगह सिंदूर लग जाता है। और यहाँ पर देखने को मिलेगा कि सुबह होते ही यहाँ पर गांव वाले तमाशा कर देते हैं, और इमली को वही डर था जो ही होगा, और गांव वाले आकर कहते हैं कि कभी तो किसी और के साथ तो कभी किसी और के साथ नजर आती है, माँ बेटी दोनों ही एक जैसी ही हैं, इनको तो सजा देनी ही मिलनी चाहिए। जिसके बाद यहाँ पर आर्यन और इमली दोनों ही गांव वालों के साथ लड़ते नजर आने वाले हैं, और गांव वालों को सबक सिखाएंगे कि हमेशा का उनका यही तमाशा है। और देखने को मिलेगा कि ये इशारा है कि आर्यन और इमली की अब जल्दी ही शादी देखने को मिलेगी।